हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, एक हंसती हुई लड़की की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। और बड़ा कर देती हूँ, ये देखो, ये आपको मेरे पीछे तस्वीर दिखाई दे रही है, मतलब आप तो आपको सामने से। और ये जो है, ये BPSC में आज इसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। विशालक्षी पाठक नाम है इसका। और अब ये मेरे वीडियो बैच की स्टूडेंट है, और इसने बिहार में 6 to 8 वाले में इसने जो है वो निकाला है। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी, सुंदर सी, खुशी से लबरेज जो है, चेहरा कितना अच्छा लग रहा है भाई। वाकई में ये कॉन्फिडेंस जो है ना, वो अपने आप आ जाता है। तो ये है विशालक्षी पाठक, जिसने BPSC में आज जो है वो 6 to 8 का अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो लिया है, जो आज ये ट्रेनिंग लेटर दिए जा रहे हैं। और इसका, ये हमारा लड़की जो है, इसका आज इसका हुआ है। ये इसने अपने लेटर की जो है वो मुझे फ़ोटो भेजी है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण, विद्यालय अध्यापक 6 to 8, ये मुझे इसने भेजा है अपना। आप देख सकते हैं, मैं ये चीज़ें इसलिए दिखाती हूँ कि आप के अंदर एक जोश आए कि यार हमको भी करना है, और बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ करनी है, हमारा भी नाम आएगा। भाई चलो, मुझे मत भेजना, मगर ये लेटर किसी अपने लव्ड वन को जरूर भेजना। फिर उसके बाद इसका जो मैसेज है, ये यहाँ पर इसने नीचे मैसेज भी था इसका, तो ये मैसेज भी मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाना चाहूँगी। टीचर जब आप जैसा हो ना मैम, तो खुद पर यकीन हो ही जाता है। लव यू मैम, आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला। ये उसने फोटो के साथ ही अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो मैंने अभी दिखाया था आपको, और इससे पहले भी इसका एक मैसेज आया हुआ है। एस्टेट जब क्लियर करा था, गुड इवनिंग मैम, आपकी बुक भी बिल्कुल आपकी तरह ही है, जिससे प्यार हो ही जाता है। तो ये हमारी प्यारी सी जो विशालाक्षी है, उसका सिलेक्शन आज मतलब फाइनल हुआ है, ये 6 to 8 का। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मेरी बहुत ही, मुझे मतलब, मैं आपको बता तो रही हूँ, मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको, अच्छा भी मैं आज जब सुबह भी वीडियो डाला था, तो मैंने आपसे कहा था, आई नेवर आस्क स्टूडेंट्स टू सेंड दिस एंड दैट। ये इनकी खुशी है, ये मतलब मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझसे इतना जुड़ाव महसूस, ये अगर ये ना भेजें तो मुझे क्या पता कि इनका कहाँ सिलेक्शन हो। क्योंकि मैं उन और मैं, हम लोग जो है फ़ोन कर करके नहीं पूछते कि किसका हुआ सिलेक्शन। हमारा ये रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो, हमारा काम जो है वो हो गया। उसके बाद वो हमें याद रखते हैं, नहीं रखते हैं, भाई याद रखते हैं, बहुत खुशी होती है, दिल से में से खुशी होती है। नहीं भी रखते कोई बात नहीं है, उनका पर्पस पूरा हो गया। आज मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो DSSB में 2021 का जो है वो पेपर में सेलेक्ट हुई थी। तो मैंने उससे किसी बात पर ऐसी मजाक में मैसेज, और पता नहीं रैंडमली आया, तो मैंने उसको जब उसको उसने मुझसे कुछ कहा, तो मैंने यूं ही कहा, तू दे दे पैसे। तो उसने ये कहा कि आपकी वजह से आज इतने किस पे सैलरी ले रही हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हम मैंने मजाक में ही जो है वो चीज़ कही थी। तो एक सिंपल सी चीज़ होती है कि जब स्टूडेंट्स खुश होते हैं, जब उनका सिलेक्शन होता है, आप जितने खुश होते हैं ना, उतनी खुशी हमें भी होती है, और उससे भी ज़्यादा होती है। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु तो गुड़ ही रह जाते हैं, चेले चीनी हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ है वो आप सभी के लिए भी, आपके बेटर भविष्य के लिए, आज मैं क्या लेकर आई हूँ, मैंने एस्टेट सीरीज़ शुरू करी है जी अपनी। मेरे महाबैच के अंदर एस्टेट सीरीज़ है। एस्टेट सीरीज़ दिस विल हेल्प दो स्टूडेंट्स एज वेल, जो एस्टेट जिन जो इस बार दे रहे हैं। एस्टेट PGT की सीरीज़ शुरू करी है, और इसमें मैं पूरा प्रॉपर पढ़ा कर जो है वो उसमें आपको दिखाऊंगी क्या मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और आपको पता होगा, एस्टेट PGT में तो सिर्फ ग्रामर ही है, लेकिन PGT में 115 जो हैं वो वर्क्स हैं। तो वो मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं वो कर रही हूँ। एस्टेट सीरीज़ है, तो आप पढ़िए, आपके और एग्ज़ाम्स में भी ये हेल्पफुल रहेंगे। और ये शुरुआत जो है मैंने करी है, मैं जैसे अभी क्वेश्चंस वगैरह करवा रही थी, आज मेरे पास जो है वो इसका एस्टेट का पूरा मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है, ये क्या है जी, ये भी देख लो, बिहार एस्टेट PGT क्या पढ़ाने जा रही हूँ। सोनेट नंबर 127 शेक्सपियर का है, और ओज़ोमेंडियस जो है वो शेले के। ये दो सोनेट्स आज मैं पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, आप अच्छे से पढ़िएगा बिहार एस्टेट का। क्योंकि भाई
जिन लोगों ने एस्टेट नहीं दिया उनके लिए वो बिहार बीपीएससी का पेपर सोचेंगे कि भाई हम कैसे दें, 6 से 8 तो दे सकते हैं क्योंकि सीटेट किया हुआ है, उनमें भी हमारा जो कोर्स है वो हेल्प करेगा। टीजीटी में तो करेगा ही करेगा क्योंकि टीजीटी का अगर एस्टेट है तो ग्रामर तो उससे भी निकल जाएगा। अब बिहार का एस्टेट पीजीटी का जो है मेरी पूरी वो है कि मैं आपको जितना भी मेरे से हो पाएगा, मैं इतना सारा वर्क है कोई भी नहीं करवा सकता उसको जब तक 3 3 4 4 घंटे जो है ना पढ़ाए, वो मार्च तक में पेपर होना है। लेकिन सेलेक्ट कर करके, और आपने देखा होगा पेपर का लेवल भी कैसा है, ठीक अच्छा खासा लेवल है इसका। तो मैं खैर अपनी तरफ से आज शुरू कर रही हूँ और मैं डिटेल में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सुबह मैंने अपने बैचेस के बारे में बता दिया था, DSSSB TGT इंग्लिश का जो है वो शुरू हो 16 जनवरी से हो रहा है। वीडियो बैच भी अवेलेबल है, जो वर्किंग है और टाइम नहीं दे सकते हैं उनको हम प्रेफर करेंगे वो वीडियो बैच लें, और जो लाइव ले सकते हैं वो लाइव का बैच लें। और महाबैच है जिसमें सारे कोर्सेज जो हैं, आपको करना क्या है कि आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर में जाइए, जो बैच आपको आपके हिसाब का लगे वो आप देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्या अब ये मैं जो है आप लोगों को यहां से ये विलियम शेक्सपियर के जो ये वाला सोनेट है, सोनेट 127, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी, और फिर मैं आपको इसके बारे में पढ़ाते पढ़ाते एक एक चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जरा ध्यान से सुनिएगा और मैं जो है इसके बारे में बताती जाऊंगी। ये सोनेट नंबर 127 है, आपको पता है कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स लिखे हैं उन्होंने, और उन 154 सोनेट्स में से 126 तक तो उन्होंने जो है वो एक फेयर यूथ को, और बाकी के डार्क लेडी को है, लास्ट के दो जो हैं वो क्यूपिड को हैं, ये डार्क लेडी को समर्पित करा हुआ है। और बहुत ही प्यारा सा जो है वो सोनेट है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, देखिएगा। इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, और इफ इट वर इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम। भाई सोनेट क्या होता है, सोनेट 14 लाइन की पोयम होती है। शेक्सपियरियन सोनेट को 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट में बांटा जाता है, यानी कि 4 लाइन के 3 स्टैंजास और 2 लाइन का 1 स्टैंजा। इन द ओल्ड एज, वो बता रहे हैं पहले ये कहा ये है, इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, कि एंशियंट टाइम्स में यानी कि पुराने समय में डार्क कॉम्प्लेक्शन वॉज नॉट कंसिडर्ड ब्यूटिफुल, डार्क कॉम्प्लेक्शन को खूबसूरत नहीं माना जाता था। इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉजंट काउंटेड फेयर, कि ओल्ड एज में ब्लैक को खूबसूरत नहीं माना जाता था। इन द ओल्ड एज इन एंशियंट टाइम अ डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन वॉज नॉट कंसिडर्ड ब्यूटिफुल, और इफ इट वर, और अगर कोई खूबसूरत होता भी था तो इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम, और अगर कोई किसी को लगता भी था कि भाई खूबसूरत है, मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हुए भी, दे वर नेवर कॉल्ड ब्यूटिफुल, उन्हें कोई ब्यूटिफुल कहता ही नहीं था। इफ इट वर, तो ओल्ड एज एंशियंट टाइम में ब्लैक को खूबसूरत यानी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन व्यक्ति को खूबसूरत नहीं माना जाता था, और इफ इट वर, और अगर ऐसा वो खूबसूरत दिखते भी थे तो लोग उन्हें खूबसूरत कहते नहीं थे। इन द एंशियंट टाइम पीपल हु हैड डस्की स्किन वर नॉट कंसिडर्ड ब्यूटिफुल, एंड इफ पीपल फाइंड देम ब्यूटिफुल दे वर नॉट कॉल्ड ब्यूटिफुल। ये 2 लाइन्स हो गई। बट नाउ इट्स ब्लैक ब्यूटी इज सक्सेसिव एयर, बट नाउ, मगर आज जो है ब्लैक यानी कि जो काला रंग है, जो डार्क स्किन लोग हैं, ब्यूटी सक्सेसिव एयर, वो जो है आज आज के समय में उन्हें खूबसूरती का उत्तराधिकारी माना जाता है। आज के समय में जो डार्क स्किन लोग हैं उन्हें खूबसूरती का उत्तराधिकारी माना जाता है। नाउअडेज पीपल हु आर डार्क स्किन दे आर कंसिडर्ड ब्यूटिफुल, नाउ गेन्ड अ लेजिटिमेट फिगर एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विद अ बास्टर्ड शेम। अब ये जो लाइन है इसको समझिएगा, ब्यूटी स्लैंडर्ड, कि ब्यूटी जो है, जो फेयर ब्यूटी, जो गोरे रंग वाले हैं स्लेंडर्ड, उनको दे आर डिस्ग्रेस्ड, और ब्यूटी जो खूबसूरती है ना, जो जो लोग कहते हैं कि गोरे रंग वाले ही खूबसूरत होते हैं, ठीक है, ब्यूटी, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, अब हो गया पुराना, एंड ब्यूटी स्लेंडर्ड विद, कि जो खूबसूरत माने जाते थे, जो फेयर ब्यूटी, जो फेयर स्किन पर्सन थे, विद अ बास्टर्ड शेम, कि वो कहते हैं कि जो आज जो है, जो लोग
तकनीकों से गोरा होते हैं, यानी कि कॉस्मेटिक्स से गोरे होते हैं, दे ब्यूटी स्लेंडर्ड, कि आज उन्होंने जो है ना नेचर को शर्मिंदा कर दिया है, दे हैव डिस्क्रेज्ड नेचर, क्योंकि नेचर ने तो उन्हें डार्क स्किन बना के भेजा, मगर वो प्रोडक्ट्स लगा के, कॉस्मेटिक्स लगा के अगर गोरे हो रहे हैं तो उन्होंने जो है वो क्या करा है कि वो उन्होंने ब्यूटी को स्लेंडर्ड यानी कि डिस्ग्रेस्ड कर दिया है, ठीक है, विद अ बास्टर्ड शेम। अब आप देख रहे हैं विद अ बास्टर्ड शेम, अभी मैं इसमें आपको साथ के साथ ही जो है उसके लिटरेरी डिवाइसेस बताती चल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला, इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, ब्लैक जो है ब्लैक वर्ड से ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, ब्लैक से वर्ड से आप ब्लैक स्किन्ड पीपल को बता रहे हैं, तो कलर से इंसान को बताया जा रहा है, कलर से व्यक्ति को कंपेयर करा जा रहा है, पर्सोनिफिकेशन, ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। तो यहाँ फेयर में पन है, फेयर वर्ड में पन है, फेयर का यहाँ मतलब खूबसूरत भी है और फेयर का मतलब यहाँ पर ईमानदार भी है, तो फेयर वर्ड में पन है, ब्लैक में पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे ये जो है इट बोर नॉट ब्यूट बट नाउ द ओल्ड एज इज ओवर बट नाउ ब्लैक इज ब्यूटी सक्सेसिव, ये जो है हाइपरबेटन है, सक्सेसिव एयर में हाइपरबेटन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कौन सी है, हाइपरबेटन। उसके बाद जो है यहाँ से देखिएगा यहाँ पर जो यह वर्ड दिया हुआ है अ बास्टर्ड शेम, बास्टर्ड के साथ ये दिया गया है कि बास्टर्ड शेम का मतलब है कि है ब्यूटी स्लेंडर्ड विद अ बास्टर्ड शेम, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का आर्टिफिशियल यूजेस को कहा गया है कि उसने जो है एक शेम के जो है इन्हें में बास्टर्ड शेम एक पर्सोनिफिकेशन जो है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये हुआ पहली चार लाइन का जो मैंने एनालिसिस करा, अगर आप लोगों को इसमें देखिए पहली चार लाइन है जो मैंने समझाया है कि ओल्ड एज में इन द एंशियंट टाइम those who had dark skin were not considered beautiful and if they were beautiful they were not called beautiful but now the parameters of beauty have changed and now those who are black they are considered beautiful and those who are not who are not light skinned but they are applying cosmetics over their faces they have disgraced that black beauty। ye ho gaya ji, हिंदी में भी समझा दिया, अंग्रेजी में भी समझा दिया। यहाँ पर ये देखिए ए बी ए बी, फेयर एयर नेम शेम, ए बी ए बी राइम स्कीम, फेयर से मिल रहा एयर, नेम से मिल रहा शेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर सिंस ईच हैंड ब्यूटी स्लेंडर्ड अ बास्टर्ड शेम फॉर सिंस, ये ना एंजॉयमेंट आ रहा है वैसे, फॉर सिंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन नेचर्स पार, सिंस ईच हैंड, अब हैंड से ह्यूमन बींग को पूरा पूरे ह्यूमन बींग को बताया जा रहा है, तो ये सिनेकडोकी पार्ट ऑफ स्पीच है। सिंस ईच हैंड हैड पुट ऑन नेचर्स पावर, क्या बढ़िया लाइन है, वो कहते हैं क्योंकि आज जो है हर हाथ में नेचर की पावर आ गई है, चाहे ऊपर से काले पीले कैसे भी आओ मगर नेचर की पावर आ गई है, तो आप जो है कॉस्मेटिक्स लगा के गोरे हो जाते हैं। सिंस ईच हैंड हैड पुट ऑन नेचर्स पावर, एक तरीके से ये ना एक कटाक्ष भी है, इट्स अ सैटायर, ये एक सैटायर भी है। फॉर सिंस ईच हैंड हैड पुट ऑन नेचर, हैंड पूरे ह्यूमन बीइंग को कर रहा है सिनेकडोकी, क्योंकि आज हर हाथ में कॉस्मेटिक्स की मेकअप की पार आ गई है। फेयरिंग द फाउल विद आर्ट्स फॉल्स बोरोड फेस, फेयरिंग द फाउल कि आज जो है फाउल अगली लुकिंग, फेयरिंग द फाउल मतलब अगली लुकिंग लोग भी जो हैं वो खूबसूरत बन जाते हैं विद आर्ट्स फॉल्स बोरोड फेस, क्योंकि वो आर्ट को यानी कि जैसे आर्ट में पेंट लगाया जाता है, तो जो लोग खूबसूरत नहीं हैं वो भी कॉस्मेटिक्स लगाकर खूबसूरत हो जाते हैं। स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम नो होली बार, जो रियल ब्यूटी है, जो ओरिजिनल ब्यूटी है, जो ट्रू ब्यूटी है, उसको कोई कहीं पर भी उसको जो है एक पहचान नहीं मिलती, नो होली बार, और ना ही उसको जो है उसके लिए टेम्पल्स बनाए जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि दोज हु आर रियली ब्यूटिफुल, दोज हु हैव नेचुरल ब्यूटी, दे डू नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट दैट दोज हु हैव आर्टिफिशियल ब्यूटी
दे गेट मोर रिस्पेक्ट एज कंपेयर टू दोज हु हैव नेचुरल ब्यूटी। आज भी मेकअप की पावर जिंदाबाद, और पिछले पहले के समय में भी मेकअप की पावर। स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम नो होली बार, उसमें यहां पर ये कह रहे हैं, ये यहां पर मैं अब इसको इस लाइन को दोबारा से बताना चाहूंगी। स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम नो होली बार फॉर, क्योंकि जो जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल यानी कि मेकअप की वजह से, कॉस्मेटिक्स की वजह से जो ट्रू ब्यूटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आज के समय में हम किसी को भी पूरी तरीके से खूबसूरत नहीं कह सकते। नेचुरल ब्यूटी, अगर कोई है भी खूबसूरत तो अलग से जो है ना, तो उसके लिए कोई सेंचुरी है ना कुछ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये जो दूसरा जो आपका ये क्वाट्रेन था उसका मैं इंग्लिश में भी बताना चाहूँगी कि फॉर सिंस ईच हैंड हैड पुट ऑन नेचर्स पावर, इट मीन्स कि दैट एवरी वन हैज़ नाउ द पावर ऑफ आर्टिफिशियल मेकअप एंड नाउ एवरी वन कैन टर्न हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन टू अ फेयर वन विद द हेल्प ऑफ दोज कॉस्मेटिक्स। नाउ दिस टाइम दोज हु आर रियली ब्यूटिफुल दे डू नॉट गेट दैट रिस्पेक्ट बिकॉज नो बडी नोज हु पजेस रियल ब्यूटी एंड हु पजेस आर्टिफिशियल ब्यूटी। आप जैसे आप कहते हैं ना, न्यूड्स लगाते हैं, न्यूड्स कलर है, न्यूड मेकअप है, मेकअप करा हुआ भी पता ना चले मेकअप कर रखा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर बट इज प्रोफेंड, अभी नेक्स्ट जो क्वार्टरन है हमारा, अब ये देखिए ए बी सी डी होता है, तो पार मिल रहा है बार से, फेस मिल रहा है डिसग्रेस से, तो दो क्वार्टरन्स हो गए हैं। उसके बाद हम लोग जो है बट इज प्रोफेंड, ये वैसे ये लाइन मुझे बतानी भी थी, बट इफ प्रोफेंड बट इज प्रोफेंड इफ नॉट लिव्स इन डिसग्रेस, इसका मतलब है कि ट्रू ब्यूटी जो है वो रियली में डिवेल्यूड हो गई है, इवन डिसग्रेस्ड हो गई है, बट इज प्रोफेंड कि आज के समय में जो रियल ब्यूटी है वो उसका बहुत ही ज़्यादा अस्तित्वहीन हो गई है कि आज समझ में रियल ब्यूटी आजकल देखने को ही नहीं मिलती है। अब यहाँ पर ही टॉक्स अबाउट हिज मिस्ट्रेस, ही सेज देयरफॉर माय मिस्ट्रेस आइज अ रेवन ब्लैक, वो कहता है कि जो मेरी मिस्ट्रेस है जिसे मैं प्यार करता हूँ, जो डार्क लेडी है, उसकी आँखें वो डस्की कॉम्प्लेक्शन की है एंड आइज अ रेवन ब्लैक, काली, बिल्कुल जो है बहुत ही काली, गहरी काली आँखें यार, आईज सो सूटेड, और उसके गहरी काली आँखें जो है ना वो उसे बहुत सूट करती हैं, और ऐसा लगता है द मॉर्नर सीम, ऐसा लगता है कि वो काली खूबसूरत आंखें जो है ना भाई, वहाँ पर जब मॉर्निंग के कपड़े पहनते हैं, यानी कि जब शोक व्यक्त करना होता है तो काले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, एंड द मॉर्नर सीम, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ना विलाप कर रही है, मॉर्निंग कर रही हो। एट सच हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लैक स्लेंडरिंग क्रिएशन विद अ फॉल्स एस्टीम, एट सच वो किसके ऊपर विलाप कर रही है, जो खूबसूरत पैदा नहीं हुए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी। खूबसूरत किसे कहते हैं, जो गोरे होते हैं, तो कहते हैं कि जो जन्म से गोरे पैदा नहीं हुए, नो ब्यूटी लैक स्लेंडरिंग क्रिएशन विद फॉल्स एस्टीम, वो क्या कर रहे हैं कि वो नेचर के साथ खेल रहे हैं, वो आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स लगा कर खुद को सुंदर सुंदर बना रहे, सोना सोना बना रहे हैं। येट सेव सो दे मॉन becoming of their woe that every tongue says beauty should look so, so they mourn becoming of their woe। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर ये मैंने देख रही हूँ इसमें है, yet so they mourn becoming of their way। अब कहते हैं कि हर व्यक्ति कह रहा है कि beauty ऐसी ही लगनी चाहिए, जैसी है natural form में वैसी ही लगनी चाहिए, नेचुरल एंड अनटच्ड ब्यूटी जैसी है बिल्कुल वैसी, मेकअप का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। मैं ये सब पढ़ा पढ़ा के ये सोच रही हूँ यार, मैंने खुद मेकअप कर रखा और नेचुरल ब्यूटी पढ़ाई जा रही हूँ, हाय राम मैं कर क्या रही हूँ लेकिन ठीक है अब क्या करूँ, ठीक है जी मुझे इसमें बताना पड़ेगा। बट हर ब्लैक आइज, ये लाइन इसमें रह गई है, बट हर ब्लैक आइज लेमेंट सो ब्यूटिफुली, नहीं हो गई है शायद यहाँ पर, That beauty should look so,
कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है, उसकी काली आंखें इतनी खूबसूरत लग रही है जैसे कि वो नेचुरल ब्यूटी के ख्रास हो के डिवैल्यूड होने पर इतनी दुखी हैं कि वो कह रही हैं कि ब्यूटी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए, अनटच्ड, बिना मेकअप की खूबसूरती जो है वो होनी चाहिए। तो ये था हमारा सोनेट 127। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो स्ट्रक्चर। सोनेट 127 जो है ये ट्रेडिशनल सोनेट है, यानी कि 14 लाइन का सोनेट है, 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट में है, 14 लाइन्स हैं। ये इसमें इट इज कंसिस्ट फॉर दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वाट्रेंस एंड ये जो है ये यहाँ पर वैसे इस क्योंकि शेक्सपियरियन जो होता है सोनेट जो होता है वो 3 क्वाट्रेंस एंड 1 कपलेट में होता है, तो 3 क्वाट्रेंस हैं 1 कपलेट है, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी ई, इसकी राइम स्कीम है और इसमें हर लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है 10 लाइन, 10 सिलेबल होते हैं एक लाइन में और 5 फीट और 10 सिलेबल्स, ए पहले आवाज़ गिरती है फिर आवाज़ उठती है, ठीक है। और एलिट्रेशन द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, फॉर एग्जाम्पल बो बी 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 बी, देखिए बो ब्यूटी ब्यूटी बास्टर्ड, बी बी जो है वो रिपीट हो रहा है। एंजैमेंट आया है जब रन ओवर लाइन्स होती हैं, तो रन ओवर लाइन्स को एंजैमेंट जो है वो कहा जाता है, और जब लाइन 10 और 11 में लाइन्स जो हैं जंप कर रही हैं। मेटाफर जो कंपेयर किया जा रहा है, मिस्ट्रेस की आइज को डार्क रेवन से कंपेयर जो है करते हैं। इसके अलावा और जो फिगर ऑफ स्पीच थी वो मैंने आपको इसमें बताई। तो भैया ये था मैंने जो बताया आपको सोनेट नंबर 127। तो आई होप कि सोनेट नंबर 127 आपको अच्छे से समझ में आया। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट जो सोनेट है वो पढ़ाऊंगी, ओज़िमेंडियस जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ओज़िमेंडियस, आय हाय हाय, इतना प्यारा जो है, दो जो मैंने सोनेट्स लिए हैं इतने खूबसूरत से सोनेट्स हैं, और दूसरा सोनेट है ओज़िमेंडियस पी बी शेले, शेले बिलोंग टू रोमांटिक एज, और ये सोनेट है, पहले इसके बारे में बताती हूँ। ओज़िमेंडियस जो है वो 14 लाइन का सोनेट है और शेले ने इस पोएम को 1817 में कंप्लीट किया था, और एग्जामिनर नाम के वर्क में ये 1818 में आया था। क्वेश्चन इसमें से बन गए कि ओज़िमेंडियस किस में पब्लिश हुआ था, एग्जामिनर में, एंड इट केम इन 1818। ठीक है, सेटिंग ओज़िमेंडियस की दो सेटिंग्स, द फर्स्ट इज द प्लेस वेयर द नैरेटर मीट्स द ट्रेवलर, नैरेटर कहानी कहने वाला जो ट्रेवलर से मिलता है, द सेकेंड इज द सेटिंग इन द ट्रेवलर्स टेल अबाउट अ क्रम्बलिंग स्टैचू ऑफ एन इजिप्शियन, और जो सेकेंड सेट है ना, पहली सेटिंग जो है वो जगह है जहाँ पर नैरेटर जो है ट्रेवलर से मिलता है, और दूसरी वो है जहाँ पर इजिप्शियन किंग है फेरो है और उसका स्टैचू जो है वो लगा हुआ है एंशियंट इजिप्शियन कैपिटल थीब्स में। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर वॉज द सिटी प्रॉपर, ऑन द वेस्टर्न साइड वॉज द वास्ट सिमेट्री और सिटी ऑफ द डेड वेयर स्टैचूज टेम्पल्स एंड टॉम्स मेमोरलाइज्ड फेरोस। Living at the site were priests who conducted religious services and artisans and laborers who designed, built and maintained the monument. तो मैं आपको इसमें बताऊं कि ओज़िमेंडियस जो है उसमें दो सेटिंग्स है, पहली जिसमें ट्रेवलर जो है नरेटर से मिलता है, और दूसरी वो जगह जहाँ पे ओज़िमेंडियस का स्टैचू है थीब्स में। ठीक है, थीब्स में जो है वो स्टैचू है, स्टैचू किसका है, ओज़िमेंडियस का। ओज़िमेंडियस कौन था, ही वॉज एन इजिप्शियन किंग, वो एक इजिप्शियन किंग था, और पता है इसकी थीम इतनी बढ़िया थीम है ना भाई, कोई कुछ भी कहता रहे अपने आप को, आई एम ओज़िमेंडियस द किंग ऑफ द किंग्स, मगर बात ये है कि मरने के बाद किसी को कोई कुछ याद ना कर रहा, और जो है सब कुछ ताकत पैसा इंसान की जो स्टैचूज वगैरह सब यहीं रह जाते हैं, फिर ना रह जाते किंग ऑफ किंग। तो पहला जो सोनेट मैंने लिया वो लिया कि व्हाट जो ट्रू ब्यूटी है दैट शुड रिमेन इन इट्स प्योर फॉर्म, और दूसरा मैंने ये लिया कि जो ओज़िमेंडियस के बारे में,
तो ओजमंडियस यानी कि सब यहीं रह जाना है, सब मोह माया है भाई, सब यहीं रह जाना है। ओजमंडियस के जो स्टैचू के बारे में मैं आपको बताऊं, ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द स्टैचू ऑफ ओजमंडियस रामसेस II, अ क्रमलिंग रेलिक इन शेल, एक ना एक टूटा फूटा स्टैचू है, वॉज ओरिजिनली 57 फीट हाई, 57 फीट का वो स्टैचू था। एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट टोल्ड ऑन लुकर्स, इसके ऊपर एक इबारत लिखी हुई थी, आई एम ओजमंडियस किंग ऑफ किंग, मैं ओजमंडियस हूँ राजाओं का राजा, और एंड चैलेंज देम टू परफॉर्म ग्रेटर वर्क, और उसमें लिखा हुआ था मैंने जितने महान काम करे है ना उससे महान काम करके दिखाओ। अकॉर्डिंग टू डियोडोरस सिसिलस अ ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 1st century BC, थीम तो बाद में बताऊंगी इसकी, पोयम कहां गई हमारी, अरे मेरी पोयम कहां गई, ये पोयम के बारे में बताती हूँ। I met a traveler from an antique land. कि मैं एक traveler से मिला from an ancient land, जो कि एक traveler से मिला जो कि एक ancient land से आ रहा था। Who said, जिसने मुझे बताया, to vast and trunkless legs of stone, कि उसने क्या देखा, बड़े बड़े पैर and trunkless legs, उसके ऊपर धड़ नहीं था और वो बड़े बड़े पैर जो है वो पत्थर के खड़े हुए, stand in the desert, enjambment है, कहाँ खड़े थे, डेजर्ट में, पूरे चारों तरफ जो है वो सैंड ही सैंड, नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक, और वही जो सैंड थी ना उसी के पास जो है पड़ा था हाफ संक, आधा उसमें सैंड में धसा हुआ, अ शैटर्ड विसाज लाइज, एक शैटर टूटा फूटा एक मुखाकृति, एक चेहरा जो है वो पड़ा था, हुज फ्राउन, जिसके चेहरे पर फ्राउन था, यानी कि एक जो है त्योरिया चढ़ी हुई थी, जैसे एक राजा का एटीट्यूड होता है, रिंकल्ड लिप, होठों पर भी जो है ना त्योरिया सी थी, स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, और स्नियर यानी कि बहुत ही जो है एक किसी को घृणा मतलब एक एटीट्यूड से घृणात्मक तरीके से देखने वाले जो चेहरा पे वो भाव थे, क्या तुम क्या हो मेरे सामने, ऐसा वाला जो एटीट्यूड था, टेल दैट इट्स, बताने के लिए काफी था कि वो जो स्कल्पचर था, वो जो मूर्तिकार था, वेल दोज पैशंस रेड, उसने वो सारे चेहरे के भाव जो जो ओजमंडियस के चेहरे एक्सक्यूज मी जो ओजमंडियस के चेहरे पे थे वो उसने बहुत अच्छे से उतारे थे, विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग, टेल दैट इट्स स्कल्पचर, जो स्कल्पचर था ओजमंडियस चला गया, लेकिन वो जो स्कल्पचर की कलाकृति थी, वो जो पैशन थे, वो कलाकार आज भी है स्टैम्प्ड, वो कलाकार दिखता है इन लाइफलेस थिंग्स में, तो महान कौन हुआ, ना ओजमंडियस, वो कलाकार जिसने ओजमंडियस को एज इट इज संसार में उसके जैसी जो प्रतिकृति जो उसकी प्रतिरूप है वो उतार दिया, द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, वो हाथ सिनेकडोकी है इसमें फिगर ऑफ स्पीच, दैट मॉक्ड देम, वो हाथ स्कल्पचर का जब वो बना रहा था तो वो दैट मॉक्ड देम, उसने मजाक सा उड़ाते हुए वो फीलिंग्स जो हैं ओजमंडियस के चेहरे की फीलिंग्स को उस पुतले में उतार दिया, एंड द हार्ट दैट फेड, और वो जो उसकी हार्ट दैट, वो जो उसकी हार्ट मतलब फीलिंग्स, वो जो ओजमंडियस की फीलिंग्स थी उसको एग्जैक्टली जो है वो स्कल्पचर ने उसके चेहरे को एग्जैक्टली उतार दिया मूर्ति के रूप में, लेकिन शैले ने यह कहा कि उसका मजाक उड़ाते हैं कि स्कल्पचर ने कि जो उसकी रियल फीलिंग थी उसको उतार दिया, ऑब्वियसली उसको इस चीज़ में मज़ा जो है वो आ रहा था कि एक राजा होते हुए व्हाट टाइप ऑफ थिंकिंग ही हैज़, एंड ऑन द पेडेस्टल, और जो जिस पेडेस्टल पे यानी कि जो मूर्ति को रखने वाला जो पेडेस्टल होता है, यानी कि एक छोटा सा मंच जो होता है
जिस पेडेस्टल पे वो मूर्ति खड़ी हुई है उस पेडेस्टल पे ये शब्द लिखे हैं, माय नेम इज ओज़मेंडियस किंग ऑफ किंग, भयंकर घमंड से भरे, मेरा नाम है ओज़मेंडियस, मैं राजाओं का राजा हूँ, लुक ऑन माय वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे शिव कार्य को देखो जो काम मैंने करे हैं, और ये माइटी एंड डिस्पेयर, देखो और निराश हो क्योंकि मेरे जैसा तुम कर ही नहीं सकते ना, मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। तो ये जो लाइन्स है, अब मैं इसको एक बार आपको इंग्लिश में बताती हूँ कि हियर द पोएट सेज दैट ही मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड एंड दैट ट्रेवलर टोल्ड हिम दैट ही सॉ अ ह्यूज स्टैचू एंड दैट स्टैचू वॉज ऑफ द ओज़मेंडियस एंड दैट स्टैचू इज लाइंग विदाउट एनी केयर. That statue is not immortalized, has not been immortalized, but the one who made that statue has become immortal. And he has shown the feelings of Ozymandias clearly through that statue. Now he tells, Shelley tells that on the pedestal this inscription is written, I am Ozymandias, king of kings. It is ironical because if you were king of kings, how can you die? So here Shelley means to say that nothing can survive in this world. Nothing is permanent. Only change is permanent. Nothing is permanent. Whether you are a king or you are a prince or you are whatever you are. But you will not live forever. And that is the theme of this ब्यूटिफुल सोनेट ओज़मेंडियस. तो ये था हमारा सोनेट ओज़मेंडियस और इसके थीम मैं आपको बताती हूँ, द माइट एंड मेजेस्टी ऑफ अ किंग डू नॉट लास्ट. कि भाई जब तुम राजा हो कुछ भी हो, मगर अब हमको कौन सा पता था ओज़मेंडियस जी हैं, पढ़ के पता चला, लेकिन राजा की भी शान और ग्लोरी नहीं रहती, ओनली ग्रेट, केवल जो आर्ट है. अगर एक बात बताओ, वो स्कल्पचर ओज़मेंडियस की मूर्ति बनाता ही नहीं, तो हमको तुमको कैसे पता चलता कि ओज़मेंडियस जी भी कोई थे. तो इसीलिए केवल आर्ट सर्वाइव करती है, आर्ट परपेचुअल है एंड नथिंग एल्स. द स्टैचू सिंबलाइजिंग द पावर एंड ग्लोरी ऑफ द फैराओज इज क्रम्बलिंग. वो स्टैचू 57 फीट टॉल स्टैचू जो एक फैराओ के पावर को बताता है, आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है. Yet the arrogant sneer on the shattered visage, लेकिन आज भी उसके चेहरे पे वही घृणात्मक स्माइल है, remains intact as a testament to the ability of the sculptor. और ये किसकी एबिलिटी है? स्कल्प्टर की एबिलिटी है. This thus it is the pharaoh's lowly servant, the sculptor, who delivers the more powerful message here. Sculptor महान है, राजा नहीं. The king message, लुक ऑन माई वर्क ये माइटी एंड डिस्पेयर, ये बताता है किंग का वर्क, मैंने बताया ना आयरॉनिकल है, मेरे कार्यों को देखो. अरे भैया तुमको भी हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि तुम्हारे स्कल्प्टर ने तुमको बना दिया. तो इसीलिए कि दो जो जिसको आप छोटा समझ रहे हैं वो छोटा नहीं है, बल्कि उसी ने आपको इमोर्टल करा है. तो ये इसकी थीम है कि नथिंग इज फॉर एवर, ओनली द वर्क्स ऑफ आर्ट आर फॉर एवर. तो ऑडली Shelley's theme, valid as a general statement, does not ultimately apply to Ozymandias. For Ramses remains today perhaps the most famous of Egyptian pharaohs. ये हम general way में कह सकते हैं, Ozymandias के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि वो आज भी बहुत famous हैं. Thousands of years के बाद भी आज भी जो है लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन Shelley ने जो कहा है वो general sense में कहा है कि works of art are forever and not any king or queen. चलिए इसके लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं. टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स, टी टी, कोल्ड कमांड, सी सी, एलिट्रेशन है. द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट, टी 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 जो है वो रिपीट हो रहा है. बी बी, बाउंडलेस एंड बेयर, लोन लेवल, यहाँ पर एल एल जो है वो रिपीट हो रहा है. एपोस्ट्रफी है, इनवर्जन ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है. वेल दोज पैशंस रेड, ये जो है इनवर्जन इसमें यूज हुआ है, दोज पैशंस रेड में ये होना चाहिए था, रीड दोज पैशंस वेल. एंजेमेंट है, एंजेमेंट का मतलब होता है रन ओवर लाइन्स जिसे कहा जाता है.
अ शेटर्ड विसाज हूज फ्राउन, एक लाइन में दूसरी लाइन एंटर कर रही है। और सिनेकडोकी मैंने अभी आपको बताया था, हैंड से पूरे ह्यूमन बीइंग को बताया है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है सिनेकडोकी। तो भाई ऐसा है, 34 मिनट्स में मैंने आप लोगों को 2 सॉनेट्स पूरे अच्छे से डिटेल में बताए हैं। इनमें से एमसीक्यूज भी निकल जाएंगे अगर तुम इसे कायदे से पढ़ लोगे। तो एस्टेट अभी निकालना हो तो ये सीरीज देख लेना, और जयराम जी की, और मिलते हैं कल।